तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग फ्री में एक टाइटल ले सकते हो। गाइस टाइटल के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई टाइटल कैसे ले कैसे लें, तो आज फाइनली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाइटल कैसे ले सकते हो। गाइस आज 24 अक्टूबर को एक नया इवेंट आया है पबजी मोबाइल के अंदर, जहाँ से आप लोग एक फ्री में टाइटल ले सकते हो। गाइस वो परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग उसको 30 डेज़ के लिए ज़रूर ले सकते हो। लेना कैसे है, उस इवेंट के क्या क्या रूल हैं, कैसे आप लोग उसको जल्दी से ले सकते हो, तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और गाइस जो भी लोग अगर वीडियो को इसको मिस कर देंगे ना, तो बाद में मुझे कमेंट मत करना कि भाई ये टाइटल कैसे लें, टाइम बहुत, इसीलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लेना। एंड गाइस वीडियो को आप जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे इवेंट वाले सेक्शन में जाओगे, तो आप लोगों को कुछ नए इवेंट देखने के लिए मिलेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का एक इवेंट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें स्टैटिक नाइट कैंडल लाइट करके, ठीक है, ये इवेंट है। इसमें गाइस आप लोग करना क्या है, लाइट 10 कैंडल। सबसे पहले आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ, आज गाइस 24 अक्टूबर है, आप लोग इधर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 24 अक्टूबर है जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर रहा हूँ, 24 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आप लोगों का ये इवेंट चलने वाला है। और गाइस इसमें आप लोगों को 10 कैंडल लाइट करनी है, मतलब आप लोगों को जलानी है 10 कैंडल, ठीक है। इधर 0/10 लिखा हुआ है। अभी गाइस मैं आप लोगों को इधर कैंडल जला करके दिखाऊंगा कि कैसे कैंडलों को जलाना है। आप लोगों को जाना है अपने स्पॉन आइलैंड पर, मैच के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ आप लोगों को स्पॉन आइलैंड तक जाना है। स्पॉन आइलैंड पर जाने के बाद आप लोगों को एक जगह मिलेगी, वहाँ पर आप लोगों को इनको लाइट अप करना है। करना कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोगों को इधर कुछ मिशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले कैंडल लेनी पड़ेंगी, हम लोगों को कैंडल लेनी है इवेंट से। इवेंट से कैंडल लेने के बाद हम लोगों को स्पॉन आइलैंड पर जाना है, वहाँ जा करके कैंडल को जलाना है। करना कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधर गाइस अगर आप लोग नीचे देखोगे, तो इधर भी आप लोगों को एक मिशन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एक इवेंट देखने के लिए मिल रहा है, स्टैटिक नाइट रेटिंग बैटल। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, अर्न 50 रॉयल पास पॉइंट, अर्न 100 रॉयल पास पॉइंट। आप लोगों को इसमें सिंपली रॉयल पास के जो पॉइंट होते हैं वो कलेक्ट करने हैं। तो गाइस ये सारे के सारे पॉइंट वही हैं जो हम रॉयल पास में जा करके, जो हमको डेली चैलेंज मिशन मिलते हैं ना, मतलब वीकली चैलेंज मिशन, वो आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं, उनमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आरपी वाले बटन पर चलते हैं, उसके बाद में मिशन, इस तरह के कुछ आप लोगों को डेली टू डेली मिशन मिलते हैं। अभी गाइस मेरे पास इधर आरपी कार्ड है, मैं यूज़ करूँगा आरपी कार्ड का कलेक्ट करने के लिए। लेकिन गाइस आप लोग, अगर आप लोगों के पास आरपी कार्ड नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, मतलब जो भी आप लोगों को मिशन मिल रहा हो। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास इधर 10 पॉइंट है, एंड अभी मैं इधर कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली एक कार्ड का यूज़ करके मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर मैं एक कार्ड का यूज़ कर लेता हूँ और सिंपली इस पर ओके कर देते हैं, और आप लोग देख सकते हो ये कलेक्ट का ऑप्शन आ गया। और आप लोग ऊपर भी देख सकते हो आरपी पॉइंट प्लस 30 लिखा हुआ आ चुका है। तो वैसे अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इधर देखो इवेंट वाले सेक्शन में मेरे जो पॉइंट है वो 40 हो चुके हैं। अभी गाइस इधर 10 आ रहे थे, 10 भी वो आ रहे थे जो 10 पॉइंट मिलते हैं हम लोगों को डेली लॉगिन करने पर। तो आप लोग देख सकते हो 40 मैंने कितनी जल्दी से कंप्लीट कर लिए हैं। अब गाइस इनको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, दूसरे वाले भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कलेक्ट नहीं करते हैं, इधर से एक और कोई मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि इधर से ये पेन वाला कर लेते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करके आप लोग भी इसी तरह से कर लेना, नहीं कर पाते तो आप लोग एनिमी को किल कर लेना, जैसे कि इधर लिखा हुआ था किल 3 एनिमीज़ विद पेन। तो आप लोग 3 एनिमीज़ को पेन से मार लेना, अगर आप लोगों के पास कार्ड नहीं है। कार्ड है तो कार्ड का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबसे जल्दी कंप्लीट करना है। तो अब आप लोग इधर से देख सकते हो मेरे को फिर से 50 पॉइंट और मिल चुके हैं। अब गाइस फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। पहली स्टेप तो गाइस यही है, आप लोगों जो भी इधर इवेंट है आप लोगों उसको कलेक्ट करना होता है। दूसरी स्टेप ये, आप लोगों को स्पॉन आइलैंड पर जाना है, वहाँ जाकर के कैंडल को लाइट करना है। कैसे जलानी है वो कैंडल मैं अभी आप लोगों को वो भी बताऊंगा। इधर देख सकते हो ये भी मेरे पास 90 हो चुके हैं, अब मेरे को बस 10 और चाहिए, तो मैं इधर से ये वाला मिशन भी कंप्लीट कर लेता हूँ, जल्दी से हो जाएगा अपना। तो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इन सब कार्ड से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग वरना नॉर्मल मिशन कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर से आप लोग इधर देख सकते हो ये भी मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो मेरे पास इधर 3 कैंडल हो चुकी हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को इधर दिखा देता हूं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और इवेंट देखने के लिए मिलेगा नीचे, इसमें लिखा हुआ है स्टैटिक नाइट टीडीएम, ठीक है, इस तरह का। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को टीडीएम मैच के अंदर जाना है, 3 बार 3 आप लोगों को मैच कंप्लीट करना है। इधर ये नहीं लिखा हुआ कि आप लोगों को मैच को जीतना है या फिर कुछ और करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग सिंपली टीडीएम मैच के अंदर जाओ, 3 बार मैच को खेलो, मतलब बाहर एग्जिट करके मत आना, आप लोग जैसे मैच कंप्लीट होता है आप लोग बाहर आ जाना। बाकी गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे पास अभी फिलहाल कितनी कैंडल्स हो चुकी हैं। तो आप लोग अगर नीचे आओगे तो इधर देख सकते हो आप लोग मेरे पास अभी 3 कैंडल हो गई हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं मैच के अंदर, मेरे को गाइस जल्दी से बाहर आना है, मतलब सिर्फ कैंडल दिखा करके आप लोगों की कैंडल कैसे लगानी है। तो इसलिए मैं सर्वर को सबसे पहले इधर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी सर्वर ले लेना आप लोग अपना, मतलब जिस पर रैंक बढ़ा रहे हो उस सर्वर को छोड़ के कोई भी अदर सर्वर ले लेना, एंड सिंपली मैच के अंदर चले जाना।
अब गाइस आप लोग स्पॉन आइलैंड पर लगा तो दोगे कैंडल, लेकिन आप लोगों को मैच को एग्जिट इधर नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, गेम के अंदर जाओ, जाकर के मतलब या तो किसी एनिमी से मर जाओ, बोट से मर जाओ, या फिर ग्रेनेड से मर जाओ, मतलब जैसे भी करो, लेकिन आप लोगों को मैच को एग्जिट नहीं करना है। अगर आप लोग एग्जिट करते हो तो क्या पता आप लोग की कैंडल ऐड नहीं हो। बाकी आप लोग जैसे स्पॉन आइलैंड पर आओगे तो गाइस आप लोगों को पीछे की तरफ में कुछ ऐसे हेलोविन की कुछ आप लोगों को कद्दू जैसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इधर पूरा का पूरा इवेंट चल रहा है इधर स्पॉन आइलैंड पर, आज ही आया ये। अगर आप लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेना। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो, इधर मेरे को एक फायर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब एक माचिस का, और उसके साइड में इधर 3 लिखा हुआ है। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो एक मोमबत्ती से नीचे लगाई। आप लोगों को जब तक पीछे नहीं हटना, जब तक मतलब इधर 2 लिखा ना आ जाए, मतलब एक पॉइंट आप लोगों का कम ना हो जाए, तब तक आप लोग पीछे मत हटना, वरना मोमबत्ती नहीं जल पाएगी आप लोगों की। तो आप लोग इधर देख सकते हो, मैंने एक कैंडल जलाई, उसके बाद मैं दूसरी जलाई। कई सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई हम एक बार में कितनी जला सकते हैं, तो आप लोग एक बार में, आप लोगों के पास जितनी भी है ना, सब एक बार में जला दें। जितनी भी आप लोग कैंडल जलाते हो गए, सब की सब काउंट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है आप लोग एक मैच के अंदर सिर्फ एक ही कैंडल काउंट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की सारी कैंडल काउंट होंगी, तो टेंशन मत लेना इस चीज़ की। बाकी गाइस मैं आप लोग एक चीज़ और बता दूं, आप लोग सबसे पहले इन मिशन को कंप्लीट करना और उसके बाद मैच के अंदर आना, वरना आप लोगों को 0 नज़र आएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि भाई हमारी कैंडल शो नहीं हो रही है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं किल हो चुका हूँ, और अब मैं आप लोगों को अपने पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग को 0/10 आ रहा था, अब हम लोगों को कितना आएगा, क्योंकि मैंने 3 कैंडल इधर लगा दी हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड आप लोगों को भी इन कैंडल को यहीं पर लगाना है, जैसे ही आप लोग स्टेज पर चढ़ते हो तो आप लोगों को कैंडल शो हो जाएगी कि कहाँ पर आप लोगों को कैंडल को लगाना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो इधर 3/10 हो चुका है। अब गाइस होगा क्या कि ये जो इवेंट है ये चलेगा 2 नवंबर, तो इस 2 नवंबर से पहले ही आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को चाहिए 10, और एक दिन में मेरे को मिल चुकी हैं 4, क्योंकि अभी मैं TDM खेलूंगा उसमें भी मेरे को एक मिल जाएगी, तो मेरे पास हो जाएंगी 4। तो जैसे ही मैं गाइस आज 4 कर लूँगा, कल फिर से 4 कर लूँगा, और फिर परसों जब मैं नेक्स्ट डे लॉग इन करूँगा तो मैं सिर्फ 2 ही कंप्लीट करूँगा और मेरे को ये टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि इसको मेरे को चाहिए सिर्फ 10 मेरे को कैंडल जलानी है, और गाइस ये मेरे को मिल जाएगा। ये मिल रहा है आप लोगों को 30 डेज के लिए। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट करना, और आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। मिलते हैं आप सभी से एक बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो।